जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, टैंक्शन ने एलिफेंट क्लैन की चीफ को एक ही झटके में मार दिया था। उसके बाद वो हुआन एम्पायर के आर्मी पर अटैक कर दिया था। अब हम टैंक्शन को बैटल ग्राउंड में देखते हैं, जहां विंड स्वॉर्ड ट्राइब के चीफ टैंक्शन पर अटैक करता है, पर टैंक्शन उसके अटैक से बच जाता है और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। और फिर टैंक्शन विंड स्वॉर्ड ट्राइब के आर्मी के सामने खड़ा हो जाता है, जो देखकर विंड स्वॉर्ड ट्राइब के चीफ अपने आर्मी के साथ मिलकर स्वॉर्ड का फॉर्मेशन बनाता है, जिसमें से एनर्जी से भरी बहुत सारी पावरफुल स्वॉर्ड बाहर निकलते हैं और उसको सीधा टैंक्शन पर छोड़ देता है, जिसे टैंक्शन रोक लेता है और फिर अपनी राइट आर्म बोन यानी कि दामिंग का स्पिरिट बोन का इस्तेमाल करता है। वहाँ पर दो दामिंग स्पिरिट बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ रॉन्ग रॉन्ग इसको बूस्ट करने लगती है और फिर टैंक्शन इस अटैक को विंड स्वॉर्ड ट्राइब चीफ के ऊपर छोड़ देता है, जो देखकर विंड स्वॉर्ड ट्राइब चीफ अपनी सेवंथ सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी स्वॉर्ड से दामिंग की अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर टैंक्शन उसके पावर को और बढ़ा देता है, जिसे रोकने में विंड स्वॉर्ड ट्राइब चीफ को मुश्किल होने लगती है और वो उसे रोक नहीं पाता है और टैंक्शन के अटैक विंड स्वॉर्ड ट्राइब चीफ के सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे विंड स्वॉर्ड ट्राइब चीफ के साथ सभी मास्टर पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। और यह देख कर हुआन एम्पायर आर्मी डर जाते हैं और वापस भागने लगते हैं। और तभी वहाँ पर श्रेक डेविल्स और प्वाइजन मास्टर आ जाते हैं, जो टैंक्शन से कहते हैं, तुम बहुत पावरफुल हो। इसके बाद टैंक्शन अपने सभी दोस्तों को हुआन एम्पायर के मास्टर को मारने के लिए कहता है, जिस पर श्रेक डेविल्स तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करके सभी को मारने लगते हैं, जिसमें मोटो अपने फायर फीनिक्स से सभी को मारने लगता है, वही पॉइजन मास्टर अपनी पॉइजन से सभी को मारने लगता है और ऑस्कर अपनी क्लोनिंग सॉसेज से फाइट करता है। तभी हम देखते हैं बिबडोंग अपनी सिक्स्थ सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जमीन से स्पाइडर की थॉट बाहर निकलने लगते हैं, जो टियांडो आर्मी को खत्म करने लगते हैं। यह देखकर टैंक्शन अपनी ट्राइडेंट को जमीन के ऊपर मारता है, जिसे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं बिबडोंग अपनी सोल मास्टर के साथ आ रही होती है और फिर बिबडोंग टैंक्शन से कहती है, टैंक्शन आज तुम्हारा मरने का दिन है। यह कहते ही बिबडोंग अपनी स्पाइडर फ्रॉम आती है और अपनी एट स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, अपनी पावर से टैंक्शन पर अटैक करते हैं। और जैसे ही वह टैंक्शन की ट्राइडेंट से टकराता है, वहां बहुत ज्यादा प्वाइजन फैल जाता है, जिससे टियांडो आर्मी मरने लगते हैं। पर श्रेक डेविल्स को कुछ नहीं होता है और सभी को टैंक्शन की चिंता होने लगती है। और तभी बिबडोंग के बाकी सोल मास्टर्स श्रेक डेविल्स और पॉइजन मास्टर के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, और तुम लोग टैंक्शन को नहीं बचा पाओगे क्योंकि तुम सब लोग यहीं पर मरने वाले हो। जो कहने के साथ ही हमारा सीन मार्शल जीलांग पर आता है, जो इस सब देखकर कहते हैं, बहुत अच्छे टैंक्शन, तूने एलिफेंट क्लैन की चिप को मारा है, बल्कि तूने विंड स्वॉर्ड ट्राइब चीफ को ही बहुत बुरी तरह घायल कर दिया है और साथ ही तूने उनके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि आपने अभी सीधा बिबडोंग को टारगेट किया है, यह स्थिति बहुत खतरनाक है। जिस पर ग्रैंड मास्टर बताते हैं, बिबडोंग यह जानती है कि टैंक्शन टियांडो आर्मी का मेन पॉइंट है, अगर उसने टैंक्शन को मार दिया तो इसका असर आर्मी पर पड़ेगा और साथ ही एम्परर सुबैंग को भी धक्का लगेगा। वो निश्चित रूप से टैंक्शन को मारने का तरीका खोज लेगी। जिस पर मार्शल जीलांग कहते हैं, हमें ट्रूप्स को बेचना चाहिए। इस पर ग्रैंडमास्टर उसे रोक देते हैं और कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टैंक्शन ने पहले इसकी उम्मीद कर दी होगी। जब तक टैंक्शन बिबडोंग को संभालता है, तब तक हमें जंग के मैदान में टिके रहना है। यह सुनकर मार्शल जीलांग कहते हैं, जैसे आपकी इच्छा, जब तक टैंक्शन बिबडोंग को संभालता है, तब तक हम हुआन हॉल के फ्रंटलाइन गुट सवार को संभालते हैं। जो कहने के साथ ही मार्शल जीलांग आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। और फिर हम देखते हैं मार्शल जीलांग के बहुत बड़ी आर्मी जंग के मैदान में उतर जाती है और हुआन आर्मी को मारने लगते हैं। और फिर हमें थोड़ी देर और का सीन दिखाते हैं, जहां एक सोल्जर मार्शल जीलांग को रिपोर्ट करता है कि हमने हुआन एम्पायर के घुड़सवार को खत्म कर दिया है और उनकी फ्रंटलाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुनकर मार्शल जीलांग बहुत खुश होते हैं, पर ग्रैंड मास्टर को टैंक्शन की चिंता होती है। इसके बाद हम टैंक्शन को बिबडोंग की टेक्निक का रिल्यूशनरी सीन में देखते हैं, जहाँ टैंक्शन एक स्पाइडर की जाल में फंसा होता है और फिर वहाँ बिबडोंग आती है और टैंक्शन से कहती है, टैंक्शन
आज तुम मेरी इस टेक्निक में तड़प तड़प कर मरने वाले हो। तभी टैंग शन उस जाल से अपने आप को छुड़वा लेता है और फिर अपनी हाउ टियन हैमर को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद बिबडोंग टैंग शन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा।